अब ये स्टार्ट होने जा रहा है बैंड 5 को ध्यान में रखते हुए, 6 बैंड को ध्यान में रखते हुए, 8777 को ध्यान में रखते हुए, सभी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग लेवल के लैंग्वेज आपको चूज़ करनी है। आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जो लेसन्स रहें, ये जो लेक्चर्स रहें वो हिंदी लैंग्वेज में रहें, या आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे पंजाबी के भी लेक्चर्स इंजॉय किए हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि माँ बोली पंजाबी के विच आप इन्होंने लैक्चर्स थोड़े लिए ऑर्गेनाइज करिए, डू मैंशन इन द कॉमेंट सेक्शन बिकॉज आई वॉन्ट द इफेक्टिव लर्निंग एंड बेटर Saudi say I have helped hundreds and hundreds of students already in Canada in filing their PR. Achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with IELTS coaching with Raman and make your academic and GT dreams come true. Download the app. तो गाइज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा पहुंच चुके हैं। देयर आर कपल ऑफ वेज टू रीच कनाडा, ईदर फॉर योर हायर स्टडीज़ और वहां पर आप स्टडी कंप्लीट करने के बाद पीआर फाइल करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो ट्रैवल वीज़ा पर जाते हैं और वहां पर एलएमआई लेकर अपनी पीआर फाइल करने की कोशिश करते हैं। नो मैटर व्हाट, हर केस में आपको पीआर के लिए आइल्स का सोर्स तो ज़रूर चाहिए। आइल्स जीटी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। It can be 5 band for truck drivers, 4.55 band, it can be 6 bands. काफ़ी सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनसे रिक्वायरमेंट 6 ईच की या 6 ओवरऑल की रहती है। एंड ऑफ कोर्स सुपर हार्ड इज़ फॉर दोज जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन अचीव की है, और अब पीआर के लिए उन्हें चाहिए 8777। आप सबको ये पता ही होगा, आज से 4-5 साल पहले जब मैंने ये YouTube चैनल स्टार्ट किया था, the prime reason to help students already in Canada to get their PR, because जो student यहाँ से मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे से पढ़ के जाते थे, they were saying that they are finding it too difficult to get the classes or have classes for their IELTS or expect that kind of टीचिंग या इफेक्टिव टीचिंग जो वाकई उन्हें 8777 अचीव करने में हेल्प करे। एंड फॉर दिस रीजन आई गॉट ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म एंड टुडे आई कैन प्राउडली से आई हैव हेल्प हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी इन कनाडा इन फाइलिंग द पीआर। नाउ अब जो 5 बैंड की रिक्वायरमेंट रखता है वो 6 वाले के साथ नहीं पढ़ सकता, जिसकी 6 की रिक्वायरमेंट है वो 8777 के साथ नहीं पढ़ सकता, वाइस वर्सा, जैसे 8777 वाला 5 बैंड की ग्रुप में नहीं पढ़ सकता, जिसकी वजह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं 1-on-1 लाइव क्लासेस, मतलब पर्सनल ट्रेनर स्टूडेंट को मिलता है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली ये हमारे प्रोग्राम्स हैं जो आपकी कनाडा की ट्रेनिंग के मुकाबले बहुत सस्ते हैं, बिकॉज आई नो हाउ मच पीपल आउट देयर आर चार्जिंग टू प्रोवाइड यू क्लासेस। एंड वो एक आपसे जो करते हैं ना प्रोमिसेस कि आपके इतने स्कोर आएंगे, लेकिन आपके कभी आते नहीं हैं। वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन एज यू नो ये तो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स यही कहते रहे कि सर जीटी के लिए भी आप यूट्यूब पर सेशंस ऑर्गेनाइज कीजिए या कंटेंट जीटी का ऑनलाइन प्रोवाइड कीजिए। तो अब ये स्टार्ट होने जा रहा है बैंड 5 को ध्यान में रखते हुए, 6 बैंड को ध्यान में रखते हुए, 8777 को ध्यान में रखते हुए, सभी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग लेवल के वीडियोस कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्राइमरली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कनाडा की पीआर चाहते हैं, चाहे वो ऑलरेडी कनाडा पहुंच चुके हैं या अभी इंडिया में हैं, तो दोनों को ही ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये क्लासेस आप मेरी यूट्यूब पर कभी भी अटेंड कर पाएंगे। लाइव अगर क्लासेस होती हैं तो उनके आपके पास नोटिफिकेशंस आएंगे, और उसके लिए बेस्ट ये रहेगा आप मेरा ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर हम टाइम टू टाइम आपको इंटीमेट करते रहेंगे। बहुत सारे प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज मेरे ऐप पर भी चलते हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब आपका मन करे आप हमारे साथ लाइव क्लासेस के लिए 1-on-1 लाइव क्लासेस के लिए भी उसी ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी इतनी के चाहे आपके पास दिन के दोपहर के 12 बजे हैं या रात के 12 बजे हैं, हम आपके लिए क्लासेस डेफिनेटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ऑल आई वुड बी शेयरिंग इन दिस वीडियो कि बहुत जल्द जीटी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं आपके लिए, और आपको कॉमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपकी चॉइस क्या रहेगी, हिंदी यहाँ पंजाबी, ताकि हमें पता चले कि ज़्यादा मेजॉरिटी किसकी है और मुझे पता है कौन जीतने वाला है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपनी पीआर की बैंड रिक्वायरमेंट ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमें पता चले कि एक वास्ट मेजॉरिटी कितने बैंड वाली है, ताकि उसी को ध्यान में रखते हुए हम इन लाइव क्लासेस को ऑर्गेनाइज़ करें और आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करना शुरू कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। आप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अभी इंडिया में हैं और आपके भाई बहन ऑलरेडी कनाडा में हैं, आपके लिए ख़ास रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचा दीजिए सो दैट आप उनका एक बहुत बड़ा बेनिफिट इंडिया में रहते हुए करें, या जो कोई भी पीआर सीकर है फॉर कनाडा, उसके साथ इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो माय डियर फ्रेंड्स एंड बाय बाय फॉर नाउ।